माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है कि 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक एक अभियान चलाना है, अधिकाधिक लोग वैक्सीन लें, वैक्सीनेशन उनका हो, इसके लिए टीका उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। आज आप जानते हैं कि पटना सिटी में बड़े अस्पतालों के अलावा भी जो हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, ऐसे 6 स्थानों पर वैक्सीनेशन की व्यवस्था की जा रही है। उसी में आज एक कैमासिक अस्पताल, यहाँ भी वैक्सीनेशन की व्यवस्था है। हम लोग आज इसको देखने आए थे, एक अनुभव किया हम लोगों ने कि जो लोग यहाँ वैक्सीन लेने आए हैं उनको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराने में धूप में खड़ा होना पड़ता है। निर्देश दिया गया है कि अविलंब टेंट की व्यवस्था की जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को जो वैक्सीन लेने आए उसको कोई कठिनाई नहीं। यहाँ मैं देख रहा हूँ कि यहाँ के जो स्वास्थ्य व्यवस्था में लगे हुए लोग हैं, चाहे वो कर्मचारी हों, डॉक्टर और नर्स हों, सब मुस्तैदी से लोगों की सेवा कर रहे हैं। आज मैंने मारुगंज हॉस्पिटल में कोविड कोवैक्सीन का पहला डोज लिया है। सुरक्षा की दृष्टि से और लोगों से भी अपील करते हैं, अपने बाहर की जनता से भी, कि वो आके वो वैक्सीन का सुई लें सुरक्षा के नज़र, और यहाँ पे अपने इसे कोरोना के पॉजिटिव से बचें। लोगों से आग्रह करते हैं कि वो घर पर रहें, सुरक्षित रहें, काम है तभी निकलें, बिना काम के बाहर ना निकलें, और निकले तो मास्क लगा के निकले, मास्क बहुत ज़रूरी है। हमारे माननीय मंत्री जी अभी आए थे, मंत्री जी और निरीक्षक करके गए हैं, और उसके पहले ही हम यहाँ पे जो व्यवस्था है टेंट वेंट का, धूपा के कारण लोगों को परेशानी हो रही है, इसलिए नगर निगम की ओर से टेंट का व्यवस्था आज अविलंब हम लोग ने ऑर्डर किया है, आज वो लग जाएगा, कल से लोगों को इनका सुविधा मिलेगा।